जम्मू में एक बार फिर से शेलिंग हुई। देवता सरगुलून के एक गांव में एक घर पर मोर्टार गिरा और उसमें रहने वाले 5 लोग मारे गए। पिछले 2 सालों में शेलिंग काफी बार हुई है। इसके दौरान कैजुअलिटीज और इंजरीज के अलावा पशुओं की मौत और प्रॉपर्टी डैमेज की रिपोर्ट भी आई है। 2017 में करीब 40,000 लोग बेघर हुए थे। मामले की जांच करने के लिए न्यूज़ क्लिक की एक टीम जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे हुए 2 गांव में गई। ये हैं संभा डिस्ट्रिक्ट में नंगा गांव और आरएसपुरा में सुचेतगढ़ गांव। गांव 2 हैं पर प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक जैसी। काफी ज्यादा मतलब फायरिंग होता है। सोए होते हैं रात को तो पता नहीं रात को ही शुरू कर लें। ये बड़े बड़े गोले कहीं भी गिरते हैं, कभी स्कूलों पर तो कभी घरों के अंदर। नंगा गांव के नजदीक एक पुलिस स्टेशन है। हम यहां जानकारी लेने के लिए गए थे। पता चला कि पुलिस स्टेशन में भी कई बार शेलिंग हो चुकी है। दीवारों पर श्रैपनल के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये फटाने हमने अभी टीम लानी है। ये हमारी टीम होती है ना जो बम स्क्वाड वाली, बम है, उन्होंने लाया था तो उन्होंने डिफ्यूज नहीं किया है। नहीं करना है, अभी हमें चिट्ठी लिखी हमने। अब आते हैं सुचेतगढ़ गांव में। यहाँ के खेतों से पाकिस्तान के स्काउट टावर्स साफ देखे जा सकते हैं। शैलिंग्स की डैमेज हर जगह दिखाई पड़ती है। उन्नीस तरीक को फायरिंग हुई थी तो दोनों बेटे मेरे जख्मी हो गए। एक भैंस उसी टाइम मर गई, एक भैंस 10 दिन के बाद मरी। तो हमें मुआवजा तो मिला नहीं, तो इनका भी कोई देखभाल नहीं हुई है। मकान सारे खत्म हो गए थे। हम उस वक्त भैंसों का दूध निकाल रहे थे, तभी इधर बम पड़ा। आकर जहाँ पर पड़ा है बम पड़ा है तो हमें नहीं पता चला क्या हुआ। उसको उसकी टांग पर लगी है तो मेरे बाजू पे लगी है। हमारे दोनों की हड्डियाँ दोनों फ्रैक्चर हो गई है। हमारे घर में आके शेल गया जिससे हमारे घर की 6 महिलाएं जख्मी हो गई। 25 तारीख को 10वें महीने में हुई थी। तो हम ही घर में ही थे, काम कर रहे थे सभी। जे बच्चियाँ इधर खेल रही थी आंगन में, हम मैं इधर बर्तन साफ कर रही थी। तो हमें पता ही नहीं था फायरिंग इधर हो जाएगी। इधर आके हमारे मेरे पास ही गिर गया। मुझे खुद पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। मैं धुआं ही धुआं, बस इधर लग गई, सारे शरीर को लगी गई। मुझे बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता आगे। संजना के पूरे बदन में श्रैपनल के टुकड़े जा फंसे थे। सर्जरी से उन्हें निकाला गया पर अब भी कुछ टुकड़े उसके बदन के अंदर फंसे हुए हैं। साक्षी के बाई आंख में चोट आई थी, उस आंख से उसे अब भी कम दिखता है और ये कंडीशन उसकी पूरी जिंदगी रहेगी। कोई पैसा नहीं देती, वही ऑपरेशन करवाया था इसका और किसी ने कुछ नहीं दिया। ऑपरेशन के बाद दवाई के लिए पैसे नहीं, कोई नहीं दिए पैसे, हम खुद दवाई लेते हैं। अभी गाड़ी से जाते हैं, इसका दादू गया आज, 5,000 की दवाई आएगी। बॉर्डर के पास रहने वालों की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार ने 14,000 से ज्यादा बंकरों को बनवाने का वादा किया था। इसके अलावा हर गांव के लिए 5 मल्ला जमीन देने का भी वादा किया गया था, जहां वो शेलिंग्स के दौरान छुप सकते हैं। तो गवर्नमेंट आ रही बंकर बनाने, गवर्नमेंट आ रही बंकर बनाने, टीवीयां ही सुनांदी है, वो बना के नहीं दस्ती है। कहां लिख कर गए जे हमारे चाचा का घर है इधर, इसका बंकर लिख कर गए हैं, बना ही नहीं कोई भी इधर। हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें भी थोड़ा पीछे जगह दे, जब फायरिंग वगैरह हम बच्चे लेके पीछे चले जाए। एक महीना 2 महीना फायरिंग चले हम सेफ्टी रहते उधर। अगर फायरिंग चलता है भैंस हो रखा है इधर, अगर अपना प्लाट होता हम भैंस भी उधर लेके जाते। जो शेलिंग वगैरह हुई हमारा नुकसान हुआ घर में, उसका भी कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं आया अभी तक गवर्नमेंट ने किया। खेती का भी नुकसान होता है ना, ये फायरिंग तब भी होती है जब फसल काटने वाली होती है। मैक्सिमम टाइम फायरिंग ना कोई मजदूर मिलता है उधर जाने के लिए, बॉर्डर पे कंपाइन वगैरह जो आती है वो भी नहीं जाते हैं।
पर अब सवाल ये है, जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था क्या वो पूरा हुआ आपके साथ अभी तक? बिल्कुल नहीं। हाँ, जे अगर जे लोगों ने अपना प्रॉमिस पूरा किया जम्मू के अंदर, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आज तक 70 साल से बीजेपी की एमएलए की सीट नहीं मिली और लोगों ने उसका प्रॉमिस जो पूरा कर दिया कि हमने वोट डाल दिए, 25 एमएलए बीजेपी को दिए। हमारे जो एमएलए बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक गांव में आए नहीं है। मोदी ने कहा था 56 इंच का सीना, लेकिन वो कहाँ अभी तक दिखाया तो नहीं है मोदी ने। नहीं, कोई 56 सीना नहीं है, ठीक है, जैसे बातें मारते हैं। मैं कहता हूँ कि इधर आके कोई भी बात करता है, बॉर्डर जब फैलिंग होती है ना, इधर आके देखो, डॉक्टर बोलते हैं ऐसे होता है ऐसे होता है। मैं एक दिन तो उसको रात निकाल कर आ जा, वहाँ पता चलेगा फायरिंग क्या होती है। दूर से बैठे बात आसान करनी है, ठीक है, जो फायरिंग बैठे उसको पूछो,